What is up people, मैं हूँ आपका भाई देसी ब्रांड बाइकर एंड वेलकम टू एन ऑसम अमेजिंग ब्लॉग। और गाइज आज का दिन बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज आज हम जा रहे हैं भंडारा, एक इवेंट है जो वंस अ ईयर होता है। तो ये जो इवेंट है इट्स ऑल अबाउट जुगनू टना, वो जुगनू ने भाई दिस इज कॉल्ड फायर फ्लाइज। आपने सुना रहेगा समर के पहले और बारिश के बाद ये एक छोटा सा 2 महीने का गैप है जहाँ पे ये जुगनू जो बोलते हैं फायर फ्लाइज वहाँ पे आते हैं। बहुत सारे एरिया, बहुत सारे रीजन इंडिया में पाए जाते हैं। गुड सी अराउंड देर आर 2000 स्पीसीज ऑफ फायर फ्लाइज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन वी हैव इंडिया एज वेल। तो दे आर फाउंड इन डैम्प एरियाज फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर रहते हैं। ये जो फायर फ्लाइज है बहुत अमेजिंग फीचर है इनका, इन लोग ग्लो होते हैं भाई। सो गाइस द रीजन व्हाई दे ग्लो इट सेज दैट दे ट्राई टू अट्रैक्ट the opposite sex and they try to mate in that particular season. So that's the current ride update guys. We din ke 10:13 ho chuke hain aur hum log ja rahe hain Bhandara around 6-7 bikes se aur sab sare high cc wale bikes se. So it's gonna be great fun guys, stay tuned and keep watching. And so far it's quite humid but chalta hai yaar, matlab barish chalo ke to uske pehle summer ka manoranjan karte hain hum bhi. Agar aapko ye vlog acha lag raha hai do like do share do subscribe. Aur bahut sare log ne abhi tak mera channel subscribe nahi kiya hai kyunki mujhe YouTube shadow mein dikhai deta ki bhai video dekhte ho lekin सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो करो भाई जरा हमें भी ध्यान दो, हमारे वीडियोस को भी ध्यान दो। फ्रेंड्स तब तक मैं आपको ये राइड का पूरा एंजॉयमेंट देता हूँ, अच्छा सा गाना लगाता हूँ बैकग्राउंड में और आप जरा सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। क्या बोलते हो भाई, चलो राइड करने का मजा ये है, अच्छे खासे दोस्त सेम मेंटालिटी वाले और राइड करो, डेस्टिनेशन फर्क नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज द जर्नी भाई, व्हाट मैटर्स इज द जर्नी। क्या खेल रहा था, ओ भाई वाह, मतलब ना भाई लोग बोलते हैं ना दारू सिगरेट पीने से नशा किक लगता है, लेकिन असल नशा ना बाइकर्स का यही है भाई, बाइक चलाना यही एक्चुअल नशा एक्चुअल किक देता है। आप संजू बाबा के बहुत बड़े फैन हो, मिल गए आप हाँ बॉम्बे से, चलो सर। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक राइडर से मिला और उसके टॉप बॉक्स उसके वाइजर पे संजू बाबा संजय दत्त जो बहुत बड़ा बॉलीवुड का हीरो है एक्टर है, तो मैंने उनको पूछा कि आप बड़े फ़ैन हो, तो बोला हाँ बड़ा फ़ैन हूँ, 2 बार मिल चुका हो। और उन्होंने अपना शर्ट ऊपर किया और उनके स्टमक पे पेट पे एक पोर्ट्रेट टैटूड है। जस्ट इमेजिन भाई, एक ये बंदे ने ये फैन ने वो एक्टर का टैटू किया है उसके उनके फेस का पोर्ट्रेट का, लाइक क्रेजी यार। कुणाल पता है तू एक्सपल्स वाला, इसका ये मतलब नहीं तू पीछे बैठेगा डब सेकंड सीट पे पिलन सीट पे। oh, no. तो दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन था भंडारा, लेकिन हम खड़े कहाँ पे देखो जोड़े लोग खड़े के तरह वाइन शॉप के सामने या चलो गाइस आ जाओ सब लोग। कम कुणाल शर्मा रहा क्यों, आ जा आ जाओ, कम कम वे गोनो बंडा डारा, अरे लवली हम लोग भी वहां पे जा रहे हैं, सॉर्टेड सॉर्टेड फाइव फ्लाइज राइट वे गोनो कवर दैट, थैंक यू। एक तो और यार सारे बाइकर्स वी आर ऑल यूट्यूबर्स, ओह लवली, सो वी मेक व्लॉग्स यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स वी हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब एंड ऑल। व्हिच चैनल यू हैव? इट्स अ मोटर व्लॉगिंग चैनल देसी ब्राउन बाइकर। यू गाइस माइंड कमिंग इन द व्लॉग? ये बताओ इट्स ओके राइट? हाँ हाँ हेलो
भाई सर के एब्डोमेन पे संजू बाबा का टैटू है. या या टू माय हेलमेट. थैंक यू सो मच. ओके सर चलो थैंक यू. हाँ वीडियो चालू है. चलो सर. तो फ्रेंड्स मैं इसे सोच रहा था, पहाड़ों को काट के इंसानों ने रास्ता बना दिया. पहाड़ों को काट के इंसानों ने रास्ता बना दिया. जानवरों ने इंसान का पेट फाड़ के अपना पेट पाल लिया. थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, तो टू माय सरप्राइज अभी हम लोग ऑलमोस्ट जंक्शन पहुंचे जहां पे टिकट्स निकालते हैं. इतना सारा भीड़ ऐसा देख रहे हो, बहुत सारे कार्स, बहुत सारे जीप्स, पब्लिक भर भर के, क्रेजी क्रेजी क्रेजी. आप देख सकते हो पीछे कितना लाइन है गाड़ी का. अरे बाप रे, इधर जुमान जी भी हो रहा है. अरे बाप रे बाप. तिकडे कॅम्पिंग साठी आहे. काढले काढले. चलो चलो चलो, एक नंबर. ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग का टिकट का काम हो चुका है और हम लोग चले कैंपिंग करने के लिए और फायरफ्लाइज देखने के लिए. देख कितने लोग हैं इधर. मेरे को ऐसा 2 मिनट के लगा ना, नाला सोपरा स्टेशन के इधर ट्रैफिक लगता है ना, आचोले रोड पे वैसा ट्रैफिक लगा मेरे को इधर. अगर आप बाइकर हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एकदम फटफट आ सकते हो. अगर आप फोर व्हीलर वाले तो आपको बहुत त्रास होने वाला है. हम चले बाहर में. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग एक ऑफ रोड पैच से गुजर रहे हैं फिलहाल के लिए. कुछ राइडर्स आगे चले गए हैं, मैं काफ़ी थक गया हूँ तो बात भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो रास्ता थोड़ा भटक गए थे तो इसके लिए हम लोग ने गांव वालों से पूछा कि भाई इस बंदे को कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उनका नाम था वो व्हाट्सएप मैसेज पे. तो अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला कि ये रूट पकड़ के चलो. तो अभी हम लोग चल रहे हैं और एकदम ऊबड़ खाबड़, एकदम ऑफ रोड, एकदम एडवेंचर वाला रास्ता हम लोग ने ले लिया. किसी महान आदमी ने कहा है, अगर कोई तुम्हारे पे धूल उड़ाए तो तुम उसके आगे जाके धूल उड़ाओ. ओ हो 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 फ्रेंड्स, क्या नज़ारा है. इस धूल मिट्टी के पार मुझे लेक दिखाई दे रहा है और लेक बहुत प्यारा दिख रहा है, लेकिन धूल मिट्टी जा रही नहीं है आंखों से.